हेलो हाय नमस्ते, मैं हूँ यमन और आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। अक्सर फ्राइडेज को हमारी मुलाकात होती है तो मैं एक रिव्यू लेके आता हूँ आपके लिए किसी फिल्म या वेब सीरीज का। लेकिन आज अपनी जो बातचीत है ना उसकी शुरुआत करेंगे कहानी से। एक गाँव है इसी देश में कहीं, वहाँ के लोगों का भुखमरी से बुरा हाल है। वजह है कि गाँव पड़ता है जंगल के पास, जंगली जानवर आते हैं और खेती खराब कर देते हैं, गाँव वालों को मार डालते हैं, लोगों के पास पैसे कमाने का कोई साधन नहीं बचता। ऐसे में गांव का एक आदमी एक रास्ता निकालता है, प्लान करता है कि जंगल में जाएगा शेर का शिकार बनने, ताकि गांव वाले उसका मुआवजा सरकार से ले सके। अगर ये कहानी किसी अखबार में छपती तो शायद हम उसके किरदारों के नाम याद नहीं करते, उस गांव को वो वाला गांव कहकर संबोधित करते। वहाँ के लोग कैसे हैं, क्या सोचते हैं, क्या इसी दुनिया में रहते हैं, ऐसे सवालों का जवाब नहीं ढूंढ पाते। इसीलिए डायरेक्टर सत्यजीत मुखर्जी ने इस कहानी को एक फिल्म की शक्ल दी और इस फिल्म को नाम दिया शेर दिल द पीलीभीत सागा। गांव के लिए मरने वाला वो आदमी बन गया गंगाराम, उस गांव का सरपंच, जिसका किरदार फिल्म में पंकज त्रिपाठी ने निभाया। ये फिल्म सिर्फ एक आदमी के जंगल जाकर शेर का चारा बनने की कहानी नहीं, ये तो बस एक बहाना है जिसके जरिए सत्यजीत कुछ थीम्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जैसे इंसान और नेचर का रिश्ता। हम खुद को नेचर से अलग मानते हैं, जानवरों से अलग मानते हैं, फिर भी आम बोलचाल के लिए उन्हीं जानवरों के पास पहुंच जाते हैं। खुद की तारीफ करनी हो तो शेर का बच्चा हूं मैं, किसी को गाली देनी हो तो उसे कोई और जानवर कहकर संबोधित करना। नेचर के करीब जाकर ही समझ में आता है कि इंसान कितना उसके जैसा ही है। फिल्म इसी भेद और फिर उसमें छुपी समानता को एक्सप्लोर करना चाहती है। फिल्म से एक एग्जाम्पल बताते हैं। गंगाराम एक किरदार से मिलता है, दोनों अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, एक शुद्ध शाकाहारी और दूसरा नॉन वेजिटेरियन मांस खाने वाला। एक सीन में ये दोनों लोग शौच करने बैठते हैं, बिना सटल हुए उस सीन में दर्शाया गया कि हमारी मान्यताएं चाहे अलग हों, हमारे धर्म अलग हों, लेकिन दोनों लोग मल त्याग ही कर रहे हैं। ये सीन पूरी फिल्म का एसेंस कैरी करता है, भले ही कुछ लोगों को सुनने में अजीब लगे कि यार क्या दिखा रहे हो। मेकर्स की मंशा ही थी कुछ अजीब बनाने की, शुरुआत की फिल्म के ह्यूमर से। आप खुद को ऐसे मौकों पर हंसते हुए पाएंगे जहां आप सोचेंगे कि यार यहाँ नहीं हंसना चाहिए, जैसे जब गंगाराम जंगल यात्रा शुरू कर रहा होता है तो एक पंडित उसे जुग जुग जियो का आशीर्वाद देता है। इस पर गंगाराम कहता है कि हम जिएंगे तो बाकी लोग मारे जाएंगे। किसी ने कहा है कि ट्रेजिक से ट्रेजिक सिचुएशन में भी आपको ह्यूमर के निशान मिल जाएंगे, ये बात फिल्म देखते हुए कई बार याद आएगी। जैसा मैंने पहले कहा कि फिल्म मतभेद में समानता ढूंढना चाहती है, लेकिन कुछ जगहों पर इसी बात को कॉन्ट्रडिक्ट करती हुई भी दिखती है, यही इसे एब्सर्ड या अजीब बनाता है। फिल्म भी अपनी इस एब्सर्डनेस को लेकर अवेयर है। आप मैन वर्सेस नेचर का कन्फ्लिक्ट एक्सप्लोर करना चाहते हैं, शहरीकरण का दुष्प्रभाव दिखाना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन समस्या ये है कि फिल्म अपनी इन थीम्स से आपको कुछ महसूस नहीं करवा पाती, मतलब सब सतही लगने लगता है। 2 घंटे की फिल्म में इतना सब कुछ दिखाने के चक्कर में फिल्म फैल जाती है, इफेक्टिव नहीं बन पाती। गंगाराम शेर का शिकार बनने को आतुर क्यों है, वो ऐसा किन अनुभवों के आधार पर बना, ये सब आपको दिखता नहीं, बस बातों बातों में बता दिया जाता है। ऐसा लगता है कि फिल्म पेपर से स्क्रीन तक के सफर में इधर उधर निकल गई और ऐसे में एक्टिंग भी फिल्म की हेल्प नहीं कर पाती, फिर चाहे वो गंगाराम बने पंकज त्रिपाठी हों जो पूरी फिल्म में एक किस्म का भोलापन रखते हैं। ऐसा आदमी जो कुछ नया सुन लेता है तो आंखें बड़ी कर लेता है, सामने वाले को अपनी बात समझाने के लिए बार बार गर्दन घुमाता है। उसकी इनोसेंस सिर्फ उसकी नहीं बल्कि उन सभी लोगों की इनोसेंस का प्रतीक है जो शहर और वहाँ की तेज दुनिया और लोगों से कटे हुए हैं। पंकज त्रिपाठी शाइन करते हैं, बस फिल्म की राइटिंग उनके साथ पूरा इंसाफ नहीं कर पाती। ऐसा ही सयानी गुप्ता और नीरज काबी के किरदारों के लिए भी कहा जा सकता है। सयानी ने फिल्म में गंगाराम की पत्नी का रोल निभाया, जो नियरली हर दूसरे सीन में बोलती कम है और चिल्लाती ज़्यादा है। वहीं नीरज काबी का किरदार बोलता है लेकिन बिल्कुल शायर और कवियों की तरह, उसके किरदार की इन योर फेस अप्रोच काम नहीं कर पाती। शेर दिल द पीलीभीत सागा कोई बुरी फिल्म नहीं, ये अपनी इंटेंशन में एक नेक कहानी लगती है, लेकिन इंटेंशन से एग्जीक्यूशन तक आते आते मामला गड़बड़ा जाता है, चीज़ें अपनी गहराई खो देती हैं। बाकी फिल्म देखिए ताकि आप अपने ऑब्जर्वेशन के साथ सिनेमाघर से बाहर आ सकें। आज के रिव्यू में इतना ही, आपको ये रिव्यू कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। शुक्रिया।